लग रहा भाई थोड़ी देर में पप्पी आने वाला। फीमेल पप्पी है इसे तो बस भाई पानी जा रहा है। सामने से देखो भाई कितने सारे डॉग आ गए। ब्लैक सा डॉग देखो भाई इसका पीछा कर रहा। ओए 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 अलग करो अलग करो। देखना भाई वो साइड जा लिया। अब देखना भाई कैसे करेगी। ओए सो हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल डॉग एंड। और गाइस अभी से डॉग्स खाना वाना रखा। रोक हमारा काफी गए बैठा। कुको हमारी ये घूम रही। रोक सी भाई नीचे गई अभी अभी। और गाइस सिम्बा नु कह रहा और दे दो बार बार यहां पे देख रहा मेज पे। सिम्बा वैसा खावे तो बढ़िया बट भाई फिर भी थोड़ा कमजोर सा है। पता नहीं भाई से क्या हो रहा। या तो भाई इसकी हाइट बढ़ रही इस वजह से भाई थोड़ा पतला सा है। क्योंकि भाई रोक सी का जितना होगा हाइट में तो एज के हिसाब से हाइट तो बढ़िया बढ़ रही बट भाई ग्रोथ नहीं हो रही। मतलब मोटापे वाली ग्रोथ नहीं हो रही समझ रहे हो। वैसे तो जर्मन से बढ़ ज्यादा मोटे नहीं होते बट भाई मुझे कुछ ज्यादा पतला सा लगने लगा। या फिर भाई अपनी हाइट बढ़ाने के बाद मोटा होगा। आज सुबह सुबह रेड किंग रोक का सामना हो गया था। क्या बोला तूने। बस भाई दिल की धड़कन तेज हो गई थी मुझे तो ये लगा था कि हो गया काम। वो तो भाई किसी ने भी शुरुआत नहीं करी वरना भाई फाइट हो जाती। रेड किंग तो भाई इस साइड था। रोक भाई इस साइड था। इन दोनों के फेस भाई यहाँ पे थे बट भाई रोक घूरा नहीं। अगर भाई रोक घूर देता फिर भाई रेड किंग अटैक कर देता। और गाइस रोक के घूरने से पहले भाग का पकड़ा मन्ना जाके हो। जब जाके भाई जाने में जाना नहीं वरना भाई आज तो लगा था कि काम खत्म हो गया। खत्म क्योंकि भाई रोक का इलाका तो नीचे का हो गया। रेड किंग का इलाका भाई वो वाली छत है। रेड किंग को भाई मैं इस वाली छत पर खुला छोड़ दूं बट भाई चलो कोई नहीं। मेन चीज ये है कि फाइट नहीं हुई। अब भाई ना नीचे लेकर जाता हूँ फ्रेश वगैरह लाता हूँ करवा के। रोक सी बार बार आवे मुझे लेने के लिए। चलो भाई चलो जाली सारे सारे। और गाइस मेरे बिना जाते भी तो नहीं। देखो भाई मैं रुक गया ना तो गाइस अभी रोक सी और सिम्बा तो आगे गली में सब भाई अंदर ही है। ये घूम रहा हमारा चिंटू। लो भाई रोक भी आ गया। देखो भाई कैसे बैठा। कोको भाई साइड को आगे निकल गए। और गाइस चिंटू के अंदर तो ऐसा खौफ बैठ रहा। रेड किंग का ही होना भाई अंदर भी आता। बस भाई गली में लोट लगाया जावे। रेड किंग ने भाई एक दो बार अटैक कर दिया ना इसके ऊपर। इस वजह से भाई तो घर पे भी नहीं आता। इसे तो भाई खाना भी भारी देना पड़े। हमारी छत पर देखो एक व्हाइट पिजन बैठा है। मेरा तो भाई बिल्कुल अभी अभी ध्यान गया इस पे। देखना भाई कैसे बैठ गए दोनों गेट में। अब भाई ऊपर चल गया रेड किंग से मिलता हूँ। ये घूम रहा हमारा रेड किंग। और गाइस खुला इस वजह से है क्योंकि भाई रोक नीचे हो गया ना। इसे भाई ऊपर लेके चलता हूँ। सब तो भाई नीचे जा रहे। रेड किंग का और गाइस रोक का काम दोनों का अपोजिट है। खाना खाने के बाद उसे तो भाई मैं नीचे लेके जाऊँ। इसे भाई मैं ऊपर लेकर हूँ। और गाइस सामने देखो भाई वो व्हाइट पिजन बैठा। ये वाला व्हाइट पिजन जंगली कबूतरों के साथ रहे। हमारे घर पे इन दोनों ने मिलकर घोंसला बना रखा अपना। थोड़े दिन बाद भाई क्या पता बच्चे भी दे दे। लो भाई सिम्बा भी आ गया। सिम्बा भाई दोस्त है रेड किंग का पक्का। रेड किंग की भाई इतनी तो कोको के साथ भी नहीं बनते जितनी भाई सिम्बा के साथ बने। क्योंकि भाई सिम्बा की एज पड़े कम हो बट भाई हाइट में सेम सेम है। देखो भाई दोनों दोनों। और गाइस ऐसी बात नहीं कि रेड किंग सभी के साथ लड़े भी। रोक के साथ तो भाई इस वजह से नहीं बनती। वो अपनी ताकत के घमंड में रहे। वो अपनी ताकत के घमंड में रहे समझ रहे हो। कुछ भाई दोनों दोनों एडल्ट हो गए। दो एडल्ट डॉग बहुत कम रहे घर में। तो गाइस अभी एक की दोस्ती को लाई उसके पास एक बुल मैस्टिफ फीमेल। वो भाई बच्चे देने लग रही है बट भाई थोड़ी अजीब अजीब सी हरकत कर रही ना। भाई अपने बच्चों के पास जा रही। तो गाइस आगे फीमेल के पास ये है भाई वो बुल मैस्टिफ फीमेल जो भाई बच्चे देने वाली। इसने भाई एक बच्चा तो दे दिया अब तक बट भाई इनके पास नहीं जा रही ज्यादा। इसका भाई सूंड वगैरह मैंने इकट्ठा के धागे से क्योंकि भाई फर्स्ट टाइम बच्चे दे रही ना। आई तो भाई देखो इसके पास थोड़ी थोड़ी बस भाई एक बार से चाट वाट ले भाई तो फिर से दूर जा ली। या भाई इसका बिल्कुल भी जीभ नहीं लगा रही। तो गाइस अब इसके पास लेकर जा रहे। देखते हैं भाई जीभ वगैरह लगावेगा। लगाने तो लग रही वैसे भाई तेरा ये डर रही बेचारी फर्स्ट टाइम होगी ना। इसा भाई इतना ज्यादा समझ नहीं आ रहा। अगर भाई गली की कुतिया होती है तो भाई अपने आप कर ले सब कुछ बट भाई नेपाल तो फीमेल के साथ थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो गाइस अभी फीमेल को अंदर कर दिया। वैसे तो भाई लग रहा मुझे बच्चा देने वाली। बार भाई थोड़ी डायरेक्ट हवा लग रही थी ना इसका इस वजह से भाई अंदर कर दिया। लेट ही भाई आराम से लग रहा भाई थोड़ी देर में पप्पी आने वाला। रील या रील का धक्का लिया जल्दी से क्योंकि भाई बच्चे देने के बाद खुद कुछ नहीं कर दिया अलग हट जाए। इस वजह से भाई थोड़ा हाथ लगाना पड़ रहा। वो तो भाई सुखा रह गया अग्रेसिव नहीं हो रही वरना भाई भी आने के बाद फीमेल थोड़ी अग्रेसिव हो जाए। परेशान तो वैसे भाई काफी देर से हो रही बट भाई कोई दूसरा पप्पी नहीं आया अब तक। देखते हैं भाई कितना टाइम मिले। शंकर आधा बच्चा आ गया भाई। रुई पुई लिया जल्दी से कुछ टिश्यू पेपर लिया। और गाइस इसके पास तो रहना पड़ेगा वरना भाई थोड़ी दिक्कत होगी। थोड़ा भाई बच्चों को टिश्यू से साफ करके अलग रखना पड़ेगा बस। और तो भाई कुछ नहीं करना। आइए बेटा तसल्ली लिया बाबू टिश्यू दे टिश्यू। वैसे भाई फीमेल अब भी नहीं चाट रही मुझे तो भाई एक बार को ये लगा था कि अब तो भाई खुद कर लेगी बट भाई तो बिल्कुल अलग खड़ी। और गाइस फीमेल पप्पी अब तो भाई बिल्कुल एक्टिव होगी क्योंकि भाई ने चिल्ला दिया। चिल्लाने का मतलब ये है कि अब बिल्कुल सेफ है। रखते हैं भाई से इसके भाई के पास। लो भाई वैसा भाई ये वाली फीमेल पप्पी तकड़ी है। ये वाला मेल पप्पी भाई थोड़ा हल्का है। ये वाली तो भाई थोड़ी तकड़ी लग रही। बस भाई सबसे मेन ये है कि इनकी माँ ने दूध पिला दे क्योंकि भाई अभी तो इनका लगाव थोड़ा कम कर रही। तो गाइस अभी घर वापस आ गया। उस फीमेल ने भाई तीन बच्चे दिए दो फीमेल एक मेल। A few inches later. तो गाइस शाम हो गया भाई सब डॉग्स को घुमाने लेके चलते हैं। और गाइस बाहर देखो पिटबुल की फीमेल आ रही सारे सारे कैसे देख रहे हैं। चिंटू देख रहा ध्यान से। नो कह रहा चिंटू कौन है तू। आगे भाई को खूबी आगे। वैसे तो भाई कोई दिक्कत नहीं है फाइट वगैरह की। चलते हैं सब बोले का। ये सब तो भाई मान ले लिया। बस भाई चिंटू खुला घूम रहा। और गाइस आज तो सारे के सारे पिटबुल हो गए ना। पब्लिक का अलग अलग रिएक्शन आ रहे। ओए कोको कहां जा ली। या भाई सिद्धन पप्पीज के पास जा। वैसे तो भाई कुछ नहीं कहती पप्पीज को। देखो भाई कहां जाकर फंस गई। सबसे मेन दिक्कत इस इलाके में हो गए। ओके भाई डॉग्स भोकना स्टार्ट। बस भाई थोड़ी दूर की और दिक्कत है। फिर भाई नाक का जगह खुला छोड़ देंगे सभी को। और गाइस कल रात रेड किंग की रनिंग करवाई थी ना इस वजह से भाई से थोड़े थोड़े पैर से छिल गए क्योंकि भाई मैंने उसकी कल ज्यादा ही रनिंग करवा दी। स्टार्टिंग में भाई मैं थोड़ी कम कम करवानी थी। वैसे तो भाई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई बट भाई लगा पैर छुल गया उसका। तो गाइस इन सबको तो वैसा खुला छोड़ दिया बट भाई व्हाइट वाली फीमेल को खुला छोड़ते हुए थोड़ा डर सा लग रहा क्योंकि भाई कभी खुली नहीं घूमी। भाई थोड़ा रिस्क लेते हैं खुली छोड़ दी। देखते हैं भाई कहीं जाएगा। वैसे तो भाई अपनी मालिक के साथ साथ ही चल रही। मुझे लगता नहीं कहीं भाग गया क्योंकि या तो भाई बिल्कुल पैरों में डर का चल रही। देखना भाई इसे लग रहा पता नहीं कहां ले गया बार बार पैरों पर चढ़े। और एक गाइस उसे देखो भाई वो कहां जा रहा बागा बागा। ओए कहां जा रहा केला। उसे ये लग रहा है कि हम इसके पीछे पीछे आने लग रहे।
हो गया खड़ा, रुक जान लग रहे। इसका नाम रोक्सी है, देखना भाई कैसे जंप कर रही, बिल्कुल अपने मालिक के साथ साथ ही चल रही, क्योंकि भाई फर्स्ट टाइम खेत माई ना। और एक ही साथ देखो भाई कैसा लेट की आराम से। अरे हुआ देखना भाई कैसे छिपकली की तरह लेट की। इसे तो बस भाई पानी जा रहा हुआ, देखना भाई क्या अलग अलग स्टाइल में लोट लगा रही। कोको बार आ जा, निकल गए जल्दी आ। नहीं, एक बार इस साइड को लौट जा, एक बार इस साइड को लौट जा, बिल्कुल मगरमच्छ की तरह लेट जा। इसे तो भाई मगरमच्छ कह लो, छिपकली कह लो, कुछ ही कह लो, ऐसी ऐसी हरकत है इसकी। बस भाई पानी मिलना चाहो कोको को, तो पानी भाई इसका सबसे ज्यादा फेवरेट है। और एक गाइस कोको ने जब से चिंटू की रेल बना रखी, लो भाई अब इसके पीछे लगी। चिंटू को तो भाई भाग का फट गया। बस भाई रोक्सी के पीछे ना लग जा, ये दोनों तो भाई जब सपना लगी मस्ती कर रहे। रोक नीचे बैठ जा, सिट सिट, देखना भाई कितना ज्यादा आप रोक, क्योंकि भाई गर्मी होने लगी ना। और गाइस सामने से देखो भाई डॉग्स भोंकने लग रहे किसी के साथ, भाई बज बज ना जावे। चिंटू तो जा भी लिया, कोको भी जा ली। मेन दिक्कत तो भाई वैसे रोक की है, यो ना भाई किसी के साथ लड़ पड़े। अगर भाई इनकी जगह पे रेड किंग होता और गाइस रेड किंग का आगे कोई भोंक देता रेड किंग, तो भाई तुरंत भाग जाता, क्योंकि भाई एक तो रेड किंग के अंदर फुर्ती ज्यादा होगी, वैसे तो भाई फुर्ती रोक के अंदर भी है, बट भाई रोक थोड़ी मेरी बात मान ले, बट भाई रेड किंग जब गुस्से में आ जाओ ना भाई किसी की भी सुनता। और भाग के पीछे भाग के, ओए रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, रोक तो भाई रुक गया, सब जा लिया उसके पीछे। बट भाई मेन दिक्कत तो रोक की है, इनकी भाई इतनी दिक्कत नहीं है। चिंटू भाई सबसे लास्ट माया, वो आ लिया भाई चिंटू भी। चिंटू तो अकेले को दाब लेंगे, साले को बम से उड़ा दूंगा। तो गाइस सामने से देखो भाई कितने सारे डॉग आ गए। ओ जल्दी से रोको पकड़ो, जल्दी रोको पकड़ो, ये तो भाई सारे के सारे लड़ने के जी मैं। रोक रोक ओए रुक रोक ले, यहाँ जा। भाग गए भाई, भाग गए इनके पीछे। वैसे तो भाई सारे के सारे जा लिए, अगर भाई मैं इसके पीछे भागू मैं और ज्यादा सपोर्ट मान लूंगा मेरी। ओए रोक यहाँ जा, बट भाई चलो कोई नहीं, जा लिए सारे के सारे। ले रोक आ जा, यो ना भाई सुन भी रहा, जा लिया भाई उन सबके पीछे गया। वैसे तो भाई सारे सारे दिखने बंद हो गए, सामने से भाई चिंटू तो आ गया। रोक ही हो रहा भाई, बस भाई मेन दिक्कत रोक की है। ओए कोको कहाँ है, कोको कहाँ है, वहां लग रही भाई पीछे से कोको मटकती मटकती। कोको तो भाई दिखती भी नहीं, छोटी सी होगी ना। और गाइस आज तो सारे सारे लड़ने के प्लान में थे, देखना भाई कैसा टोली बना गए थे। कोको भाई फिर से भागी, कोको यहाँ जा, बट भाई कोको की दिक्कत नहीं है, अगर भाई कोको को सपोर्ट नहीं मिलता फिर भाई अटैक नहीं करती। देखना भाई सारे सारे कैसे भोग रहे अब भी। ईसा भाई अकेली को दाब बना ले, वैसे भाई रोको तो बांध लिया, बट भाई कोको नहीं मिलेगा तेरी। कोको कहाँ जाली, चिंटू तो भाई रहा सामने, कोको पता नहीं भाई कहाँ जाली। कोको ले, तो भाई दाब वाब ना लियो किसी ने। क्या बोला तूने, या खड़ी भाई या खड़ी बीच में, जल्दी आ। ब्लैक सा डॉग देखो भाई इसका पीछा कर रहा, आ जल्दी आ जल्दी आ। कहाँ जाली थी, अब भाई इन सबको ले घर वापस चलूंगा, काफी देर घूम फिर लिए। तो गाइस होगी गांव में एंट्री, बस भाई किसी डॉग के साथ ना दिक्कत हो जाए। वैसा तो भाई दो तीन दिन से थोड़ी शांति है, ज्यादा डॉग भाई भोंक नहीं रहे। ओए 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 अलग कर अलग कर, हटा दे। तो गाइस अभी आगे मुसीबत पार करके चलते हैं भाई घर पर। वो जो भाई ब्लैक सा डॉग मिला ना, वो भाई पूरी हिम्मत मारे आज भाई कोको की तरफ को बढ़ रहा था। कोको को देखो भाई कैसा आते लेट की। तो गाइस अभी एक के दोस्त के पास चलो, जिसके पास भाई वो एग्रेसिव सेंट की फीमेल है, वो दिखाता हूं भाई चल के। तो गाइस आ गया सेंट की फीमेल के पास, और गाइस बहुत ज्यादा एग्रेसिव है आज भाई, इसका ओनर आ रहा है यहां पे, इस वजह से आया मैं इसके पास। ओ भाई अरे इसका ओनर कहां जा लिया, कहां है वो भाई, जल्दी आ रहा बाहर आ खाते क्या मैं, जल्दी काबू कर अपनी छुई मई को। आज भाई इसका ओनर आ रहा घर पे, इस वजह से भाई मैं इसके पास आया, वरना भाई मैं तो इसके पास आता हुआ भी डरूं, क्योंकि भाई बस अपने मालिक की सुना है, बाकी भाई किसी की नहीं सुनती। अब भाई इतनी शांति से वजह से खड़ी है, क्योंकि भाई इसका ओनर हो गया ना यहाँ पे, वरना भाई समझ रहे हो अब अटैक कर देती मेरे ऊपर। एक बार तो उस साइड को जाइए देख, थोड़ा देखना भाई उस साइड जा लिया, अब देखना भाई कैसे करेगी। तो भाई तुरंत आगे टूट गए, आ जा भाई। वैसा भाई ये बात है नहीं कि सभी के ऊपर अटैक करे, ये कह लो कि गार्डिंग करे बढ़िया। अच्छा, क्योंकि भाई अपने मालिक को कुछ नहीं कहती है। वैसा भाई फीमेल की क्वालिटी तो बढ़िया है, देखना भाई कितने मोटे मोटे पैर ले दी। और गाइस वैसे सेल के लिए भी, अगर भाई किसी को लेनी हो तो गाइस ले सकते हो, नेचर भाई आप लोगों के सामने है, मालिक को भाई कुछ नहीं कहती, गार्डिंग करे भाई बढ़िया। अगर किसी को फार्म वगैरह पर छोड़नी हो या फिर भाई किसी का बड़ा घेर वगैरह हो, वहाँ अकेले भाई बेस्ट है। और गाइस अगर किसी को ब्रीडिंग पर्पस पर लेनी हो तो भी बेस्ट है भाई, बच्चे बढ़िया देगी, क्योंकि भाई क्वालिटी बढ़िया है ना। नंबर डाल दो भाई आपका, तो गाइस ओनर पहले कह रहा तंग ना करियो, क्योंकि भाई एक दो बार मैंने नंबर डाला फिर भाई बात है मुझे कह कि क्या करवा दिया। और गाइस सेल इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि भाई भी नहीं रहता यहाँ पे, ये मानो क्या अकेली रहे बस। अगर किसी को सीरियस होगा लेनी हो फीमेल, वही भाई कॉन्ट्रैक्ट करना, समझ रहे हो। तो गाइस अभी घर वापस आ गया, देखो भाई सारे के सारे बाहर ही मिल गए। और गाइस वीडियो के एंडिंग इन सभी के साथ ही करता हूँ, वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक करे शेयर करे कमेंट करे, और गाइस लास्ट में भाई सब्सक्राइब और कर देना।